त्योहार है हमारा लोहड़ी का, त्योहार है मकर संक्रांति का। हर त्योहार हम लोगों को मनाना है और मिलजुल के मनाना है। निर्भया स्क्वाड ने आज ये प्रयास करने की कोशिश की है कि हम सभी लोग ये त्योहार मनाएं, लेकिन सुबह 6 से 8 बजे तक एवं शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक पतंग ना उड़ाएं। इसके साथ ही कांच से जो बने हुए पदार्थों से अगर कोई मांजा बनाए या धातु के पाउडर से अगर कोई मांजा बनाए उसे उपयोग में ना लें। बच्चों को मैदान में ही पतंग उड़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, छत पर पतंग ना उड़ाने दें, और अगर वो छत पर उड़ाते हैं तो अभिभावक गण उनके साथ रहें और लाउड स्पीकर ना बजाएं। जो भी लोग इस पे दो पहिया वाहन पर चल रहे हैं या पैदल चल रहे हैं उन सभी से हमारा यही निवेदन है कि वो लोग अपने गले में मफलर लगा के रखें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित ना हो, और जो वाहन की गति है उसे धीमी रखें। हम सभी का ये प्रयास है कि लोहड़ी का उत्सव है, ये मकर संक्रांति का उत्सव है, इस त्योहार में हम सब भी भागीदारी निभाएं, हम सब मिलकर जोर शोर से इसको बनाएं। लेकिन जरूरी है कि हम अपना ख्याल रखें, हमारे अपनों का ख्याल रखें, जनता का ख्याल रखें, परिंदों का ख्याल रखें। और इसी के लिए निर्भया स्क्वाड कल से लगातार गश्त करेगी, पेट्रोलिंग करेगी, निगरानी करेगी और हर व्यक्ति को, जनता को जागरूक करेगी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कि आप लोग कृपया पतंग उड़ाते समय इन सावधानियों को जरूर रखें। सुबह अगर 6 से 8 या शाम को 5 से 7 आप पतंग उड़ाते पाए गए तो धारा 188 के तहत, IPC के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो प्लीज आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़े। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है तो इसलिए आप लोगों से पुनः निवेदन है कि भीड़ में जाने से बचे, घर में ही ये त्योहार मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं और 2021 को यादगार बनाएं। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।